हाय गाइस, आई अक्षय और हम वापस आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस बार हमारे पास है VIVO V5 प्लस स्मार्टफोन, जो कि आपको ऑफर करता है एक डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा, जिससे आप एक बहुत ही अच्छी सेल्फी ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अपना फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करेंगे और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। रिव्यू वीडियो हम थोड़ी बाद में डालने की कोशिश करेंगे, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। तो ये रहा बॉक्स और आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट कैमरा V5 प्लस। तो 20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा नहीं, इसमें 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसमें और ये आपको काफ़ी अच्छी सेल्फी दे सकता है, वो अभी हम टेस्ट करेंगे। तो और कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ आता है। सार वैल्यू की बात करें तो 1.195 और 0.3999 है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानने की इंटेंशन होती है, वो जानना चाहते हैं, तो ये रही वो सार वैल्यू। गोल्ड वेरिएंट है और प्राइस देखें तो इसकी MRP लगभग 29,000 पर ही 28,000 का हुआ। 28,000 पर ये डेफिनेटली एक महंगा फ़ोन है, इसको सस्ता फ़ोन नहीं बोल सकते। तो क्या 28,000 पे आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि जो मेन फीचर इस फ़ोन का है वो सिर्फ एक डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है सेल्फीज़ के लिए। बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखें तो वो ऐसी है जो आपको बाकी फ़ोन्स में लोअर प्राइस टैग पर मिल जाएंगी। तो देखते हैं पहले तो बॉक्स कंटेंट्स क्या है, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में हमें लगता है कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है बॉक्स में, वो है ये फ़ोन। जैसा हमने आपको बताया गोल्ड वेरिएंट है और आप देख सकते हैं इसमें एंटीना ब्लाइंड्स जो हैं वो बिल्कुल एज के साथ है, ना कि आपके यहाँ पे बीच में कहीं यहाँ पे। तो काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ा सा कर्व्ड है फ़ोन और देखने में तो अच्छा है फ़ोन, आपको पकड़ने में काफ़ी सही है, ज़्यादा भारी नहीं है। इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे, पहले फटाफट देख लेते हैं और क्या क्या सामान मिलता है आपको बॉक्स के अंदर। तो जो पहला बॉक्स है उसमें आपको सारी मैनुअल्स और सब कुछ मिलेगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है सिम इजेक्टर पिन और आपके पास एक स्क्रीन गार्ड भी है और क्लीनिंग क्लॉथ स्क्रीन साफ करने के लिए अगर चाहिए हो तो, कुछ मैनुअल्स, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी इंफॉर्मेशन की ये कुछ नहीं है। और आपको मिलता है ये क्लियर केस, इसको फटाफट लगा के एक बार देख लेते हैं कैसा लगता है फ़ोन, ईजिली फिट हो जाता है और ज़्यादा लुक वाइज कुछ चेंज नहीं करता, प्रोटेक्शन दे देगा आपके डिवाइस को, पर लुक में अभी भी आपका फ़ोन आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है, क्लियर क्रिस्टल केस टाइप का है ये केस आपका जो मिलता है आपको, सॉफ्ट केस है, हार्ड केस नहीं है ये। चलिए इसको अभी साइड रख देते हैं और एक और बॉक्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैटर्न सा दिया गया है, ये बॉक्स या कोई फीचर नहीं है, बस बॉक्स में पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। आपको मिलती है ये USB केबल जो कि एक अच्छी क्वालिटी की लग रही है, बाकी हम बाद में उसको टेस्ट करेंगे। ईयरफोन्स मिलते हैं और आपने शायद ये शेप पहले कहीं देखी हो, जी हाँ ये थोड़े से मिलते जुलते हैं एप्पल ईयरपॉड से। आपको माइक भी मिलता है तो आप कॉल्स भी ले सकते हैं इन ईयरफोन्स को यूज़ करके। और लास्ट चीज़ जो आपको मिलेगी वो है चार्जर, ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, कंपनी ने फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है, 2 amp at 9 volts की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। तो ये रहे कंटेंट्स जो कि आपको मिलेंगे अगर आप खरीदने की सोचते हैं वीवो का V5 प्लस स्मार्टफोन। तो ये रहा वीवो V5 प्लस स्मार्टफोन, पहले फटाफट स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको मिलता है 5.5 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ, आगे आपके पास 20+8 megapixel का डुअल कैमरा कॉम्बो है, पीछे की साइड 16 megapixel का कैमरा है, स्नैपड्रैगन 625, 4 gigs ऑफ रैम और 64 gigs यानी कि 64GB की स्टोरेज के साथ आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर प्रेजेंट है और 3160 यानी 3160 mAh की बैटरी मिलती है। तो स्पेसिफिकेशंस ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस प्राइस में, इससे सस्ते फोन्स में भी सेम स्पेसिफिकेशंस या बेटर मिल जाती है। तो क्या ये वर्थ है अभी भी 27,000 का लेना चाहिए, 28,000 का लगभग आपको क्या ये लेना चाहिए? तो पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में स्मार्टफोन अच्छा है, आप देख सकते हैं गोल्ड वेरिएंट है हमारे पास, एंटीना लाइंस आपकी बहुत सटली बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर और नीचे की साइड दी गई हैं जो कि काफ़ी हद तक छिप जाती हैं। आपको आगे मिलता है कैमरा मॉड्यूल्स, साथ में आपको ईयर पीस मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है और साथ में है ये फ्लैश जो कि आपको गुड क्वालिटी सेल्फीज में हेल्प करेगा लो लाइट कंडीशंस में। उसके बाद जो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, IPS डिस्प्ले है 5.5 इंच का फुल HD, ब्राइटनेस लेवल भी सही है,
उसके नीचे आपको एक होम बटन जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे आपका मल्टीटास्किंग की और बैक बटन, और इनमें भी बैक लाइट अवेलेबल है। थोड़ी लाइट ज़्यादा है इस रूम में तो आप शायद देख ना पा रहे हो, पर यस इन दोनों बटन में बैक लाइट है। पीछे की साइड आपको सिंगल पीस बॉडी मिलती है, मेटल कंस्ट्रक्शन है तो हाथ में फील अच्छी है, ज़्यादा भारी डिवाइस नहीं है। माइक्रो यूएसबी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और स्पीकर नीचे की साइड है, ऊपर की साइड कोई पोर्ट नहीं। यहाँ पे इस साइड आपके पावर और वॉल्यूम रॉकर है, दूसरी साइड पे आपको मिलता है सिम कार्ड ट्रे, दो नैनो सिम कार्ड आप डाल सकते हैं, हाइब्रिड ट्रे नहीं है तो आप स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में तो सही है डिवाइस, डिस्प्ले भी अच्छा है इसका जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर में आपको 625 प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है, अराउंड 63,000 स्कोर करता है एंटूटू बेंचमार्क में। ये रहे बाकी डिटेल्स, एंड्रॉइड 6.0.1 पे रन करता है, एड्रीनो 506 GPU है, 4 में से लगभग 2GB अभी हमारे पास अवेलेबल है और अराउंड 49GB स्टोरेज अवेलेबल है। माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट नहीं करता तो आप स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। ये रहे इसके सेंसर की इन्फॉर्मेशन, ये सारे सेंसर्स इसमें आते हैं, आपको एक्सेलर मीटर मिलता है, आपको जायरोस्कोप मिलता है और लाइट सेंसर है इसमें, लीनियर एक्सेलरेशन सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, स्टेप काउंटर और स्टेप डिटेक्टर भी है। अगर परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस में ये डिवाइस सही है, 4GB की आपको रैम मिलती है, मल्टीटास्किंग ये संभाल लेता है, स्टोरेज भी ठीक है। गेम्स में एसफॉल्ट 8 जैसे हाई एंड गेम्स और भी काफ़ी हाई एंड गेम्स आप खेल सकते हैं, 625 सही प्रोसेसर है। पर अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी डिवाइसेस से तो 15,000 में भी आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है, सेम गेमिंग परफॉर्मेंस और सेम मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट खाली परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात करें तो काफ़ी महंगा लगेगा ये डिवाइस, क्योंकि इन दो चीज़ों में आपको 15,000 में भी सेम डिवाइस मिल जाएंगे जो आपको 625 या इनफैक्ट 652 वाले प्रोसेसर वाले डिवाइसेस भी अवेलेबल है मार्केट में। तो गेमिंग बाकी आप देख सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गेमिंग में तो सही है, सही परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ लैग नहीं है गेम्स में। अगर आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो आपको मिलता है एंड्रॉयड 6 यानी कि मार्शमेलो, साथ में फन टच OS, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। आपको मिलता है वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन, स्मार्ट मोशन जहाँ पे आप एयर ऑपरेशन और ये सारे फीचर्स ऑन कर सकते हैं, जैसे शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, टैप टू टिल टू जूम पिक्चर्स, स्मार्ट रिमाइंड एक्सेट्रा। साथ में आपको मिलता है स्मार्ट स्प्लिट जो कि आपको अलाउ करता है दो डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन को स्प्लिट करने में, तो आप देख सकते हैं आप दो एप्लीकेशन को स्क्रीन में हाफ हाफ करके स्प्लिट करके यूज़ कर सकते हैं, और सुपर स्क्रीनशॉट, स्मार्ट क्लिक, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। फन टच OS एक सही है, कुछ ज़्यादा बग्स हमें नहीं मिले, स्मूथ है, स्टेबल है। साथ में आपको आई मैनेजर जैसी एप्लीकेशन मिलती है जो कि वीवो की अपनी एप्लीकेशन है, जिसको यूज़ करके आप स्पेस और डेटा मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही में वन टच यहाँ पे टैप करके अपना फ़ोन भी टेस्ट कर सकते हैं कि सारे सिक्योरिटी फीचर्स, अपडेट्स या कुछ स्पेशल चीज़ अवेलेबल तो नहीं है, फ्री रैम एक्सेट्रा भी चेक करता है ये। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो आपको मिलते हैं डुअल सिम और ये 4G सपोर्ट करते हैं, VoLTE ही भी सपोर्टेड है, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं है इसमें, आपका वाईफाई सपोर्ट है, ब्लूटूथ एक्सेट्रा सब है। फिंगरप्रिंट सेंसर सही वर्क करता है इसमें, काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड टच करते ही अनलॉक कर देता है स्मार्टफोन को, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी सही वर्क करता है। अब आते हैं इसके मेन फीचर पे जो कि है कैमरा। तो ये है आपका कैमरा इंटरफेस, ये बैक कैमरा इंटरफेस है, हम फटाफट फ्रंट कैमरा इंटरफेस पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये मेन कैमरा इंटरफेस है, और आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, HDR, बुके शॉट्स में आपका सारा बुके इफेक्ट आएंगे, तो शिफ्ट करने दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस एडजस्ट करके बैकग्राउंड ब्लर और सब कुछ कर सकते हैं, फेस ब्यूटी ऑप्शन है आपके पास, पैनोरामा, टेक फोटोज एक्सेट्रा सारे ऑप्शन है। तो चलिए सीधा सैंपल्स पे चलते हैं। अभी ये बैक कैमरा से ली है एक इमेज, जूम इन करके भी आप देख सकते हैं काफी क्लियर और काफी डिटेल्स है, और ये हमने ली थी फ्रंट कैमरा से, और ज्यादा लाइटिंग नहीं थी वहां पे, फ्रंट फ्लैश भी यूज किया था इसमें, जो फिलिंग फ्लैश भी यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं काफी अच्छी इमेज आई है, काफी क्लैरिटी, डिटेल्स, और पीछे का एरिया आपका ब्लर्ड है, तो इसको अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी इमेज है ये। देखिए अगेन काफ़ी अच्छी इमेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, कितने अच्छी इमेजेस लग रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये चारों इमेजेस जो अभी हमने आपको दिखाई ये फ्रंट कैमरे से ली हैं। जी हाँ, इसका फ्रंट कैमरा का बुके शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं, आप ये शॉट्स देख सकते हैं,
आप डिटेल्स देख सकते हैं, बैकग्राउंड पूरा आउट ऑफ फोकस है और आप फ्रंट में आपको यहाँ पे इस एरिया में फोकस है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है कैमरा, काफ़ी इम्प्रेसिव है इसका फ्रंट कैमरा और अब तक ना मे बी सबसे बेस्ट कैमरा है फ्रंट में जो हमने देखा है किसी भी डिवाइस में। तो बेस्ट सेल्फी लेने के लिए सच में ये डिवाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बैक कैमरा भी अच्छा वर्क करता है पर आगे वाला कैमरा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो आपको मिलती है इसमें 3160 mAh की बैटरी जो कि आपको लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप बड़े आराम से दे देती है, एक दिन से ज़्यादा भी मिल जाएगा अगर आप लाइट यूज़र हैं तो, ज़्यादा फोटोज़ खींचेंगे तो लगभग एक दिन का, पर स्टिल बैटरी चल जाती है। फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, 9 volts आपका 2 amp पे चार्ज करता है तो स्टिल काफ़ी फास्ट है, क्विक चार्ज 3.0 जितनी फास्ट नहीं, पर स्टिल आपका फ़ोन नॉर्मल 5 volt 2 amp चार्जिंग से 2 amp चार्जिंग सपोर्ट से ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है। ओवरऑल हमारे फर्स्ट इम्प्रेशंस अच्छे हैं लेकिन सिर्फ कैमरा के उसमें एरिया में, तो अगर आपको ऐसे यूज़र हैं जिसको कैमरा बहुत पसंद है खासकर सेल्फी कैमरा और उसके लिए काफ़ी क्रेजी हैं तो ये डिवाइस आप देख सकते हैं, पर अगर आपको एक नॉर्मल डिवाइस चाहिए जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस और सब कुछ अच्छा हो तो आपको इससे सस्ते डिवाइसेस मिल जाएंगे 15,000-20,000 में जो आपको इससे बेटर या सेम स्पेसिफिकेशंस दे देंगे। ये फ़ोन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एक अच्छा कैमरा सेल्फी कैमरा चाहिए या बेस्ट सेल्फी कैमरा चाहिए और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, तो अगर आपको सेल्फी का बहुत ज़्यादा शौक है तो ये डिवाइस चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास और ऑप्शंस है मार्केट में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।